Hey guys, welcome back to the channel. Today is the farewell of my school and I'm ready and I'm going to the farewell. So this is going to be farewell vlog. So guys, I've reached school and here I am with my friends. Yay! And this is my sir, our class teacher Bangar sir. Hi. हम सबको एक दूसरे से बिछड़ जाना याद आएगा, हम सबको एक दूसरे से बिछड़ जाना, रोज सुबह अटेंडेंस मिस होना, वो बांगर सर की एक्स्ट्रा क्लासेस और उनका चिल्लाना, वो बांगर सर की एक्स्ट्रा क्लासेस और उनका चिल्लाना, मोबाइल वॉच जमा करके सबको जमीन पे लाना, वो सर का डेबिट कॉम्पिटिशन और ग्राउंड पे पढ़ाना, वो सर का डेबिट कॉम्पिटिशन और ग्राउंड पे पढ़ाना, उन्होंने ही सिखाया हमें हक के लिए लड़ना, वो साइन कॉस थीटा ने हमें बहुत सताया, वो साइन कॉस थीटा ने हमें बहुत सताया, और आउटे सर ने इस सब्जेक्ट को बड़े प्यार से पढ़ाया, वो राउत सर का संस्कृत पढ़ाना, वो राउत सर का संस्कृत पढ़ाना, पढ़ाने से ज्यादा संस्कार सिखाना, मराठी और हिंदी को लेकर न जाने कितने सपने हमने अपने आंखों में सजाए, मराठी और हिंदी को लेकर न जाने कितने सपने हमने अपने आंखों में सजाए, वो संगीता मिस की डांट से भगवान ही हमें बचाए। याद आएगा वो भाले सर का हंसना हंसाना, याद आएगा वो भाले सर का हंसना हंसाना, अपने अलग अंदाज में सबका दिल जीत लेना, वो ट्रिप की मस्ती, वो जोधारे सर का डांस, वो ट्रिप की बीते हुए हर एक याद की शुरुआत नर्सरी से हुई थी, इन 10 सालों में मिले हर एक सीनियर टीचर का करते हम सम्मान, करते हम सम्मान, चाहे वो बटुए सर हो या फिर रूपाली मिस, शिल्पा मिस हो या फिर सुनीता मिस, सागर सर हो या फिर चेड़े सर, जो कि हमारी जिंदगी में हमारे प्राइमरी टीचर्स तो होते हैं हमारी जान, होते हैं हमारी जान। क्या कोई टीचर रह गया है? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई टीचर रह गया है? बिल्कुल सही, वो रेखा मिस की तो बात ही कुछ और थी। याद आएगा गर्ल्स का चोरी छुपे उनका टिफिन खा लेना, चोरी छुपे उनका टिफिन खा लेना, छुपने के बहाने किसी और क्लास में घुस जाना, हर एक चीज उनके पर्स में मिल जाती, हर एक चीज उनके पर्स में मिल जाती, मानो हर वो चीज सिर्फ गर्ल्स के लिए ही लाती, गर्ल्स कहे सही है, पर न जाने क्यों दोस्तों, पर न जाने क्यों दोस्तों, दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। अरे टीचर कहाँ है? मुझे क्या पता, ढूंढ के ला रहा, तू सिंसियर है तो जाना। सॉरी सर, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर, नाउ गिव योर अटेंडेंस। सवाई, जैन, जैन सर, ऋतिक प्रेजेंट सर, संदीप प्रेजेंट सर, दिवेंसु प्रेजेंट मैम, सॉरी सर। ओके बच्चा, दिस मिस्टेक्स हैपन,
Now submit your budgets. Wow. Very good. This is excellent. What is the event, sir? Again mistake. Sorry, sir. Class, this is what you do in the absence of teacher. Disgusting class. I won't teach you, shameless fellows. Good morning. Now move to chemistry lab. And students, be careful. Don't mix sodium with. अरे 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 तो बास्केटबॉल खेलेंगे नहीं नहीं वॉलीबॉल हम तो क्रिकेट से ही काम चलाएंगे नहीं फुटबॉल खेलेंगे अरे अपन तो वॉलीबॉल खेलेंगे तू मेरी टीम में रहना मैं तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हूँ आई विल नॉट प्ले अरे चलो 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 वेट वेट वी आर नॉट गोइंग टू ग्राउंड ड्यू टू हैवी रेन एंड योर एग्जाम्स आर कमिंग नियर बेटर स्टडी Chalk it up in me, chalk it in the back, 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 चाहिए रालिया बोलती मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी दुकानी थोड़ी बिरयानी दिहाड़ी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए देख चल से आज चिकन रोकड़ों को तेरी भूख का इलाज चिकन रोकड़ों को यही कहता है आज चिकन रोकड़ों को Sit down. Sine squared theta plus cos squared theta is equals to 1. Now repeat. Sine squared theta plus cos squared theta is equal to 1 beta. Cos squared theta
अरे अरे चुप हो जाओ, ये तो इंग्लिश का पीरियड है. परेशान तो बहुत कर लिया. Now let's show them that we have a genuine feelings for them. I would like to call it by. After spending incredible more than 10 years, they have to end it here. But there's one thing I have to tell to our teachers is, aapka saath dhoop mein chhaav hai, aapka saath dhoop mein chhaav hai, aapka saath samandar mein naav hai. Aap mile ho hume andhakar mein prakash ki tarah, aap mile ho hume andhakar mein prakash ki tarah. Aap se hi to mila hai hume, shiksha ka vardaan hai, shiksha ka vardaan hai. Well, it's my last speech here. So, hello everyone. This is me, Afsha, one of the students from this batch. And yes, you know, this is my farewell speech. There's always two things in life which are hard to say. First, hello for the first time and goodbye for the last time. मुझे आज भी याद है मेरे लाइफ का पहला स्पीच जूनियर केजी में मैंने इंदिरा गांधी बंद कर दिया था और आप 10th स्टैंडर्ड में फेयरवेल स्पीच दे रही हूँ. वक्त कब कैसे कहाँ बीत गया समझ में नहीं आया. We have come a long way. And I have to say, first of all, thank you to Pahade sir and all the trustee members to creating and launching this amazing school and giving us the best teachers we have ever got in our life. Thank you so much. Thanks. And we have to show you each of the khasiyat. That's what makes our school the special school. Rekha miss ki baaton se, suggestion se lekar, Sangeeta miss ki career guidance se health ke tips tak, बांगर सर के साथ की हुई मस्ती से लेकर पढ़ाई तक, आउटे सर के बाया यानी आउटे मास्टर जिंदाबाद से लेकर भाले सर के पुष्पा की एक्टिंग तक, प्रभातम से लेकर हम सभी के यहाँ पे अलग अलग यादें जुड़े हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते. And what we are taking from the school is memories, because memories last forever. अच्छी बुरी जैसी भी है, ये यादें ही हैं जो हम लेके जा रहे हैं. We have made the millions of happiness and billions of memories. I want to mention a special thanks, and that teacher is doesn't need any introduction. Our class teacher Bangar sir. Thank you sir for being our class teacher from 3rd standard till here.
Thank you for always being with us and always guarding us. Thank you, sir, for always showing me the right path whenever I need it. I have no word to express the gratitude towards you. And not only sir, but Rekha Miss and Sangeeta Miss to always being with in this journey. That's what makes this journey so special. I want to mention a special thanks to my classmates also. Thank you so much for you taught me a biggest life lessons. That is, what is the real friendship meaning? Thank you so much. I understand the big difference between friends and classmates. Thank you so much. A special thanks to Sani and Ashlesha also. So, कि हमें हमारे टीचर से ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें हमारे टीचर से एक स्ट्रेंथ चाहिए जो हमें कैरी ऑन करना है, हमें वो ब्लेसिंग्स चाहिए जो हमें आने वाले लाइफ के हर्डल्स और फियर्स से ओवरकम करने में मदद होगी. Our life is going to change totally, and this is the first page, not where the storyline ends. यहीं से आगे हमारी एक्चुअल लाइफ चालू होने वाली है और हम हमारे फ्यूचर शेप करने वाले टीचर्स की हमेशा याद आती रहेगी. लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूंगी, कई बैचेस आएंगे और कई बैचेस जाएंगे. ना हम फर्स्ट बैच जैसे थे, ना ही सेकंड बैच जैसे थे. हम हैं सबसे अनोखे, सबसे हटके. दावा करती हूँ कि आपको हमारे जैसा बैच कभी नहीं मिलेगा, आपको हमारे जैसा बैच कभी नहीं मिलेगा. करते हैं, हंसते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं. स्कूल हमारा दूसरा घर होता है, लेकिन क्या आपको पता है क्लास में भी दो और क्लास होते हैं. अरे वो देखा, दो क्लास वो कैसे? जी हाँ, दो क्लास. एक हमारे दिमाग वाले हमारे फर्स्ट बेंचर्स और दूसरे लेकर घूमने वाले हमारे बैक बेंचर्स. स्कूल वाली कहानी तो बहुत देखी, चलो ये 40 से 90 तक का फासला देखते हैं. सो प्लीज वेलकम. क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर रहता है इनका तैयार. जोरदार तालियों से स्वागत है आपके और मेरे फर्स्ट बेंच के यार. यस, हर से चीयर करो ना कोई तो. फिर उसको बोला ना यार, रोल तालियां तो नहीं दे रहे कोई. इधर आ. अरे अब आ रही है उनकी जो क्लास के बिना उनका अब आ रही है उनकी जिनके बिना क्लास ही नहीं लगता. वो हमारे बैक बेंचर्स. हम पढ़ाई कर रहे हैं. चुप बैठ. सब जगह पर बैठ जाते हैं, तभी एक नई लड़की क्लास में आती है. ऐसा करते हरकते इधर आ रहे. नाम क्या है इसका? वो पुष्पा राज. झुकेगा नहीं साला. ये तो झुकेगा नहीं बोला था साला. और यहाँ तक लोड़ा वाला यानी ड्रामा खत्म होने के बाद क्या
जिंदा हूँ सर। नमस्ते सर। प्रेजेंट सर। समृद्धि कैसे हो सर? हाय सर। हेलो सर। श्रवण मे आई कम इन सर। वो स्पीक इन इंग्लिश सर। माय गाड़ी इज पसिंग इन किचन। नो हलिंग नो रुलिंग ओनली डिंग। Today's topic is active voice and passive voice. Right here? Come here. Batao, active voice and passive voice kya hai? Active voice and passive voice. Sir, wo na? Wo aaj ka topic hai. Shut up! Kiran! लेट मी एक्सप्लेन सर। एक्टिव वॉइस का मतलब तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। और पैसिव वॉइस का मतलब मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट टर्न इन एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। Passive voice means that a subject is a recipient of verbs actions. Very nice. Clap for them. We will continue this period tomorrow. First lecture इनका ऐसे ही खत्म होता है। अब second lecture. Okay, sit down. सर सर आपने दो दिन से होमवर्क ही नहीं चेक किया। होमवर्क जिसने नहीं किया खड़े रहो। यू फेलोज कम इन फ्रेंड। होमवर्क क्यों नहीं किया? सर मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। ओके ओके कूल डाउन। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? सर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी। ओके ओके सिट डाउन। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में थी। झूठ मत बोल। थी झूठ बोलती है। चल प्रिंसिपल के पास। सर ये दोनों भी थे मेरे साथ पार्टी में। उनके पास रीजन है। उसके पापा हॉस्पिटल में थे। इसकी मम्मी हॉस्पिटल थी। सर उसके पापा हॉस्पिटल में थे क्योंकि उसके पापा डॉक्टर और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी क्योंकि मम्मी नर्स है। तीनों झूठ बोलते हैं। चलो तीनों को इस बार तीनों को छोड़ता अगली बार नहीं छोड़ूंगा। यू सिट डाउन। थोड़ा सा नाटक करके हर टीचर को मना लेते थे। हर लेक्चर में मानो इन्होंने डांट खाने का जिम्मा ले रखा है। अब थर्ड लेक्चर में चलो जिसे जिसे होमवर्क नहीं किया खड़े रहो। चलो परंपरा निभाते बिना नाम लिए खड़े हो जाते। अयो तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? सर वो लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस कहाँ थी? सर वो पूजा घर में रखी थी तो वहाँ से लेते। सर मैं नहाया नहीं था। अरे नहाया क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। अरे पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? अरे सर आपको कितने बार बोला बिजली नहीं थी। चलो तुम बताओ एक तरफ पता लिया और दूसरी तरफ पैसा तुम क्या चुनोगे? पैसा चुनूंगी सर। गलत जवाब। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ तक चुनता। बराबर है। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वही तो चुनता है। सबका मजाक उड़ाते हो। बैठो जी। चलो तुम बताओ। 1869 में क्या हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ था सर। वेरी गुड। और 1872 में क्या हुआ? गांधी जी 3 साल के हुए थे सर। चलो दत्त प्रसाद तुम बताओ। चाइनीज का नाम बताओ। चलो आलिया भट्टा सर। ये पढ़ा है तुम्हें? आलिया भट्टा चाइनीज है। आलिया भट्टा सही तो उसे आलिया भट्ट कहना था।
अच्छा ठीक है बैठो रुचि, जैसे एग्जाम है अच्छे से पढ़ाई करना। एग्जाम के दिन हमेशा की तरह फर्स्ट बेंचर पूरी तैयारी के साथ और बैक बेंचर बिना कुछ किए एग्जाम देने आ जाते हैं। अरे यार मेरी पढ़ाई तो इतनी अच्छी हुई है कि इस साल तो मैं ही टॉप करूंगी। नहीं मैं टॉप करूंगी यार, आज तो इंग्लिश का पेपर है और मैं साइंस पढ़ के आई। मैं तो कुछ पढ़ाई ही नहीं करके आया, कहीं मेरा सब्जेक्ट ही ना गलत हो जाए। अरे भाई वो छोड़, एग्जाम आज मेरे को अभी पता चला, मैं तो ड्राइंग पढ़ के आया। अरे यार मैं तो आज हिस्ट्री पढ़ के आया। चलो सब जन शांत बैठो और पेपर लिखो। ये उनको 10th स्टैंडर्ड के ये बोर्ड पेपर दिए। चलो ग्राउंड पे, ये बैक बेंचर उठे ग्राउंड। तू है तू नहीं, रेणुका ये बत रिया बस मस्त कर। सिलेक्शन हो गया। मिशिला पहाड़े जैन इंग्लिश का स्टूडेंट श्रवण, उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। देखो दोस्तों, स्कूल का नाम तो दोनों ही रोशन कर रहे थे, सिर्फ एक पढ़ाई में तो दूसरा खेल में। कुछ सालों बाद मुझे एक कंपनी में 12 लाख का पैकेज है। ये उसी कंपनी में 24 लाख का पैकेज है। और ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी के मैं सीईओ हूँ और मुझे 40 लाख का पैकेज है। ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी को मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ और उस कंपनी का मैं 50% पार्टनर हूँ। पैकेज नहीं पूछोगे मेरा? जी हाँ दोस्तों, वही हूँ, वो मैं बैक बेंचर जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता था, हर कोई मजाक में लेता था। माना कि हम पढ़ाई में कच्चे थे लेकिन जिंदगी की लड़ाई हम जीत गए। वो मैथ्स का साइन कॉस, वो इंग्लिश का धीस दैट, भले ही हमें पल्ले नहीं पड़ता था लेकिन मराठी की कविता हमारे दिल में समाती थी। माना
ना कि अबो 90 बिलो 60 में बहुत अंतर है, लेकिन अबो 90 वाला कामयाब और बिलो 60 वाला कुछ ही नहीं कर सकता। यह कहा का न्याय है, जो बचपन से ही टॉपर है वही जिंदगी में कुछ करेगा, और जिसे कुछ आता नहीं, जो हमारे जैसा बैक बेंचर है, वो कुछ नहीं कर सकता। यह नहीं, सिर्फ अगर हम कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कुछ करने की जिद होनी चाहिए। आज से मार गिनना बंद कीजिए, खुद को समझो और पढ़ाई कीजिए। देखा दोस्तों, यहाँ पर ये ड्रामा खत्म होता है। जाते-जाते ये बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारी अंकों में गिनती गिनना बंद करो और खूबियां पहचान। जिसको जो आता है उसे उसी के लिए मोटिवेट करो। क्या पता आपका एक वेरी गुड और एक वेरी नाइस उसकी जिंदगी बदल दे।